हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आज हम आपको बताएंगे बास्केटबॉल के बारे में। तो दोस्तों, बास्केटबॉल के बारे में कुछ फैक्ट्स और कुछ रूल्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों, बास्केटबॉल का इन्वेंशन 1891 में एक कैनेडियन नागरिक जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। 19वीं सदी में बास्केटबॉल एक केज के अंदर खेला जाता था। बास्केटबॉल खेलते वक्त कोई भी प्लेयर ऑडियंस पे ना गिर जाए, इसलिए बास्केटबॉल केज के अंदर खेला जाता था। पहले पहले बास्केटबॉल के हर टीम से 9 खिलाड़ी कोर्ट में खेला करते थे, पर धीरे धीरे समय के साथ उसको 5 खिलाड़ी कर दिया गया। जब बास्केटबॉल स्टार्ट हुआ था तो बास्केटबॉल हूप पीच बास्केट से बनाया जाता था। पीच बास्केट की नीचे की लकड़ी हटा दी जाती थी और हर एक बास्केट के साथ ऑफिशियल्स को बॉल लेके आना पड़ता था। पर 1900 में ये चेंज हुआ और पीच बास्केट की जगह स्ट्रिंग नेट्स यूज होने लगे। 1891 से लेकर 1950 तक बास्केटबॉल सॉकर बॉल से खेला जाता था। प्लेयर्स को बॉल ग्रिप करने के लिए अपने हाथों में कोल्ड डस्ट लगाना पड़ता था। पहले पहले बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग नहीं हुआ करती थी। एक प्लेयर बॉल को कैच करके कुछ स्टेप आगे बढ़ के बास्केट कर सकता था, पर 1950 से बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग शुरू हुई। द बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका और नेशनल बास्केटबॉल लीग 5 अगस्त 1976 को इकट्ठा हुए और NBA बना, यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। NBA की सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंचाइज टीम है सैक्रामेंटो किंग्स, जो कि 1923 में बनी थी, और सेकंड ओल्डेस्ट टीम है डेट्रॉइट पिस्टन्स, जो कि 1941 में बनी थी। बास्केटबॉल के सारे स्टेडियम मैपल वुड से बने हुए होते हैं, जो कि स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। 1936 में बास्केटबॉल ओलंपिक का ऑफिशियल गेम बना, जो ओलंपिक गेम बर्लिन जर्मनी में हुआ था। वैसे तो बास्केटबॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गेम माना जाता है, पर बास्केटबॉल का पहला ऑफिशियल मैच कनाडा में 1946 में हुआ था। एक एवरेज बास्केटबॉल खिलाड़ी की हाइट 6 फीट 3 इंच तक होती है। बास्केटबॉल के इतिहास में हाइट में सबसे छोटे खिलाड़ी थे मग्जी बॉग्स, जिनकी हाइट थी 5 फीट 3 इंच, और बास्केटबॉल में सबसे लंबे खिलाड़ी है जॉर्ज मुरेसन, जिनकी हाइट है 7 फीट 7 इंच। बास्केटबॉल खेल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि दूसरे टीम के नेट बास्केट में बॉल डालना। नेट बास्केट 10 फीट की हाइट पे लगे हुए होते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हर टीम से 5 खिलाड़ी कोर्ट पे मौजूद होते हैं। उनके पोजीशंस है पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड और सेंटर। इंटरनेशनल बास्केटबॉल गेम में 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, वहीं अमेरिका के NBA में 12 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। बास्केटबॉल में सबसे महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को माना जाता है। माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में कुल मिला के 5,987 स्कोर बनाया है, जो कि अभी तक रिकॉर्ड है। माइकल जॉर्डन ने 2 बार अमेरिका के लिए ओलंपिक में कैप्टनसी की है, 1984 और 1992, और दोनों बार अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीता है। द बॉस्टन सेल्टिक्स ने अब तक सबसे ज़्यादा बार NBA चैंपियनशिप जीता है, उन्होंने 16 बार NBA जीता है। बास्केटबॉल का कोर्ट 91 फीट लंबा होता है और 50 फीट चौड़ा होता है। बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक सर्कल बना हुआ होता है और वहाँ से ही मैच स्टार्ट होता है। जैसे कि क्रिकेट में टॉस होता है, बास्केटबॉल में टिप ऑफ होता है। टिप ऑफ में रेफरी सर्कल में खड़े होकर बॉल को उछालता है और दोनों टीम के प्लेयर बॉल को सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो बॉल को ले जाता है वो पहले अटैक करता है। बास्केटबॉल के दोनों हिस्सों पे 3-point arc बना हुआ होता है। अगर कोई प्लेयर 3-point arc के बाहर से बॉल को बास्केट में मारता है तो उस टीम को 3 point मिलता है, और अगर 3-point arc के अंदर रह के बॉल को बास्केट में मारा जाता है तो उस टीम को 2 point मिलता है, और फ्री थ्रो मारने पे 1 point हासिल होता है। बास्केटबॉल में 4 quarter पूरे होने के बाद जिस टीम का ज़्यादा स्कोर होता है वो टीम जीत जाती है, और अगर गेम ड्रॉ होता है 4 quarter के बाद तो एक्स्ट्रा क्वार्टर्स खेले जाते हैं। बास्केटबॉल में बॉल को या तो ड्रिबल करके आगे बढ़ाया जाता है या फिर पास करके। अगर किसी खिलाड़ी ने दोनों हाथ से बॉल को पकड़ लिया तो वो आगे नहीं बढ़ सकता या ड्रिबल नहीं कर सकता, उसको बॉल पास ही करना पड़ेगा। अगर आपने अपने हाफ में ओपोनेंट टीम से बॉल छीन लिया तो आपको 10 सेकंड के अंदर अपने हाफ से बॉल लेके ओपोनेंट के हाफ तक जाना पड़ेगा, नहीं तो फाउल हो जाएगा। एक टीम को बॉल को बास्केट में मारने के लिए 24 सेकंड का टाइम मिलता है। उन्होंने अगर 24 सेकंड के अंदर बॉल को बास्केट में मारा और बॉल बास्केट से बाहर गिरा या बास्केट से टकरा के आ गया तो वो फिर से मार सकते हैं, क्योंकि 24 सेकंड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल में आप बॉल को एक स्टेप से ज़्यादा हाथ में पकड़ के नहीं ले जा सकते। एक स्टेप लेने के बाद आपको ड्रिबल करना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये थे बास्केटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ रूल्स। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू दोस्तों।